दिल्ली कांग्रेस ने स्थायी समिति के मेंबर्स के चुनाव से खुद को अलग किया है। हमारे साथ देवेंद्र यादव है, क्या वजह रही कि वो आपको अलग करना पड़ रहा है अपने आप? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से कॉरपोरेशन के इस चुनाव के चलते लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, जहां एक तरफ लोकतंत्र को लगातार दबाने की और ख़त्म करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लोगों को पोच कर अपनी तरफ लेके आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है और क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले हमारे लिए हमारी इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम इस जो चुनाव है उससे अपनी दूरी बना कर रखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जिन पार्टियों ने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की कि वो दिल्ली की जनता का समाधान करेंगे, और वो कहीं ना कहीं उसमें ना सिर्फ फेल साबित हुई बल्कि लगातार ड्रामेबाजी करने का उनका जो काम है वो लगातार चल रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ भी था कि हम इन दोनों पार्टियों से अपने आप को इक्वी डिस्टेंट रख कर आगे बढ़ें, तो लिहाजा ये फैसला हमें लेना पड़ा। इसके ये वजह नहीं है कि लोकसभा में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए मना कर दिया, तो अब दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है? नहीं, ये तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जो हमारा विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम इंडिविजुअली जाएंगे, 70 की 70 सीटों पर हम मजबूती से अपना चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं हम उस ओर अग्रसर भी हैं। हमारा संगठन इस दौरान मजबूत हुआ है, हम लोगों के ज़्यादा नज़दीक आ पाए हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसकी पोल भी खोलने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। केजरीवाल ने आज ये बयान दिया कि दिल्ली के कामों को रोका गया, उनकी बीजेपी के एक नेता से बात की और उन्होंने कहा कि उनके कामों को रोकने के लिए उनको जेल में डाला गया था, और अब जो है उन्होंने जेल में रहते हुए भी कई लोगों के काम करे हैं दिल्ली की जनता के। माफ़ कीजिए, अगर दिल्ली की जनता का काम हुआ होता, अगर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे होते, तो दिल्ली की जनता को ये जो दुख और पीड़ा इस दौरान झेलनी पड़ी है वो शायद नहीं झेलते। आज मुझे दुख है इस बात का कि थोड़ी सी गर्मी होते ही लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, और वहीं थोड़ी सी बारिश आते ही लगभग दिल्ली जैसे शहर में, जो वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जिसका निर्माण आदरणीय शीला जी ने किया था, उस शहर में 10 साल के पश्चात लगभग 40 लोग एक सीज़न की बारिश में अपनी जान गंवा बैठते हैं। लगातार बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत आपको पता है, 10 साल का समय केजरीवाल जी को मिला था कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। आज हमारी बुजुर्ग महिलाएँ परेशान हैं पेंशन के लिए, आज एक गरीब व्यक्ति परेशान है एक राशन कार्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, नए राशन कार्ड तो बन ही नहीं रहे हैं। आज आप अगर किसी भी रोड पे चले जाएं तो ये नहीं मालूम होता कि रोड में खड्डा है या खड्डे में रोड है। तो ये जो स्थिति बनाई है ये 4 दिन का काम नहीं है। अगर केजरीवाल जी वाकई में काम कर रहे होते तो 10 साल में इन सभी समस्याओं का समाधान करते। अगर केजरीवाल सच में पिछले 10 सालों में काम किया था तो दिल्ली की हालत ये नहीं होती। कैमरा पर्सन संजीव बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।